नमस्कार, SBN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद बढ़ गया है। AIMIM ने सीधे बीजेपी पर हमला किया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि चुनाव के बीच इस तरह के बयानों से दो समुदायों में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। नवनीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राणा को कहते सुना जा रहा है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, वैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए किधर गए। राणा ने कहा, एक छोटा और एक बड़ा भाई है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए कहा हटा दो तो हम कि तेरे यहां कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद नवनीत राणा कहती हुई नजर आती हैं कि उन लोगों का पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां चले गए। राणा ने अपनी टिप्पणी का एक वीडियो अपने एक हैंडल पर भी पोस्ट किया। इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को भी टैग किया गया है। नवनीत राणा के बयान पर AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार किया है। आज तक से बातचीत में पठान ने कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव के दौरान इस तरह का बयान दे रही हैं जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग को नवनीत राणा के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान देने की वजह से दो समुदायों में तनाव हो सकता है। बताते चलें कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, लोवैसी और बीजेपी की माधवी लता आमने सामने हैं। वारिस पठान ने कहा है कि अगर नवनीत राणा जैसा भाषण वारिस पठान देती तो वह आज जेल की सलाखों के पीछे होती। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने 15 मिनट पुलिस हटा दो वाला बयान दिया था, जिसके बाद वे खुद सरेंडर हो गए थे और 40 से 42 दिन जेल में रहे थे। बाद में उनकी जमानत हो गई, लेकिन 10 साल उन्होंने अदालत में अपने बयान की लड़ाई लड़ी और फिर बरी हो गए। इस बीच नवनीत राणा के इस बयान का वीडियो वायरल हुआ है। जरा देखिए उस वीडियो को। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस प्रकार से नवनीत राणा खुले तौर पर ओवैसी भाइयों को चुनौती देती नजर आई हैं। इसके अलावा बताते चलें कि वो हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनावी मैदान में उतर रही माधवी लता के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंची थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SBN 9 न्यूज़।